कोशिश है लोगों को बचाने की। हम लोग रोज़ निकलते हैं 3 या 4 सिलेंडर लेके, और कहीं से जैसे भी कहीं भी मिलता है कोशिश करते हैं कि कुछ सिलेंडर मिल जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। आज हम ये 4 सिलेंडर लेके जा रहे हैं और कोशिश करूँगा कि फैक्ट्री का सीन भी आपको दिखाऊँ। दोस्तों अभी जो आपने गाड़ी में सिलेंडर देखे हैं वो लगभग 4 सिलेंडर हैं, और इस वक्त 21:59 हुए, 22 बजे मतलब 10 बज रहे हैं अभी। 10 बजे का ये वक्त है, हम लोग निकले हैं काशीपुर के लिए। 2 प्लांट हैं यहाँ पर, काशीपुर में है, रुद्रपुर में है। मुरादाबाद में जितने भी प्लांट्स हैं वो वहाँ पर गैस मिलती नहीं है लोगों को। 4 सिलेंडर 2 लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं फ़िलहाल। मेरी गाड़ी में इतने ही आ पाते हैं, मतलब मैं इतने ही लेके निकल पाता हूँ, और ये लोगों को दे देता हूँ जिनके पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत बुरे हालात हैं। दोस्तों अगर आप में इंसानियत है तो जो भी आप कर सकते हैं इस वक्त वो काम कीजिए लोगों के लिए, उनकी मदद कीजिए। मैं सुबह लौटूंगा अपने घर, मतलब बिलारी का हूँ ये आपको पता ही है। सुबह लौटूंगा, किस वक्त लौटूंगा अभी पता नहीं है, लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कितनी मशक्क़त के बावजूद मुझ जैसे आदमी को 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 1 सिलेंडर और कभी कभी कोई भी सिलेंडर नहीं मिल पाता है लोगों की जान बचाने के लिए। कई लोग जिनको मैं सिलेंडर दे रहा था घर पर, उनकी डेथ हो गई। कई लोग मरने की कगार पे, कई लोग इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये समझिए कि प्लांट्स पर, फैक्ट्रीज़ में, या वो जो एजेंट्स जो सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की, वहाँ पर भीड़ का क्या हाल है, और हम लोग कैसे ट्रेवल करके, कैसे परेशानियाँ उठा करके, किस तरह से इस ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को कलेक्ट करते हैं और लोगों को देते हैं, वो लोग जिन्हें ज़रूरत है इसकी, और जो इंतहाई बीमार हैं और उनके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बिलारी में एक CHC अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर है वहाँ पे ये मुझे पता है, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हुई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वहाँ से। क्यों नहीं मिल रही है? वो कहते हैं कि उनके पास स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो कम से कम ऐसे क्राइसिस के टाइम पे बिलारी तहसील, जो इतनी बड़ी तहसील है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की सप्लाई होनी ज़रूरी थी। एक भी सिलेंडर सरकारी या प्राइवेट तौर पर बिलारी तहसील के लिए नहीं आ रहा है। दोस्तों बिलारी में तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 12-15-14 हॉस्पिटल्स तो प्राइवेट हैं जो बिना डिग्री के हैं, और जो डिग्री वाले MBBS MD डॉक्टर, MBBS MD तो नहीं है, एक ही डॉक्टर है MD, डॉक्टर मोहम्मद शाहगान, और MBBS है, तीन चार लोग तो हैं ही बिलारी में, उनके भी किसी के अस्पताल में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो मरीज़ कहाँ बचेगा? सरकारी अस्पताल में बिलारी में वैसे ऑक्सीजन नहीं है। गुंदरकी में अभी 30 बेड का एक अस्पताल बन रहा है, ये अच्छी बात है, वहाँ पर एक पॉइंट बनाया है सरकार ने, या DM राकेश सिंह जी की संतुति पर ये काम हुआ है, बड़ी खुशी है कि 30 बेड का। लेकिन बिलारी में क्यों नहीं है? मतलब बिलारी में सरकारी एक अस्पताल है, उसके बावजूद भी हमें सप्लाई, और हमारे मरीज़ मर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास, हमारे अस्पताल में, बिलारी के सरकारी अस्पताल में सप्लाई शुरू नहीं हुई है, या एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, या मरीज़ों को लेना शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया, सवाल है। क्या कर रहे हैं हम लोग, आप लोग, हम सब क्या कर रहे हैं? चलो मैं तो, या मेरे जैसे कुछ और 2-4-6-10 लोग हैं जो लगे हुए हैं नर सेवा, नारायण सेवा के लिए, कि चलो कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए, क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जैसे हालात हैं, आज कल गया वो, परसों हो गया, तरसों हो गया, तो कल मैं, आप, कोई भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये बात, ये चर्चा जारी रखेंगे। मैं अब आपको प्लांट की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये रास्ता आप देख रहे हैं, हाईवे पे अब मैं चल रहा हूँ, और कई सारे टोल, बॉर्डर की तस्वीर हो सकता है मैं आपको दिखाऊं, फैक्ट्री की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कोशिश करूंगा। कैमरा अलाउड नहीं करते हैं वो लोग प्लांट्स पे और कई जगह पे, फैक्ट्रीज़ में,
कैमरा अलाउड नहीं करते, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आज मैं आपको कुछ तस्वीरें वहाँ के बाहर की दिखाऊँ कि क्राइसिस देखिए कि कितने लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं और हम लोग कैसे मुश्किल से उन ऑक्सीजन के सिलेंडर को पाते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के आखिर में जब हम आपसे बात करेंगे, तो शुक्रिया। दोस्तों ये बॉर्डर अभी हमने यूपी का क्रॉस किया है और अब हम उत्तराखंड में घुस रहे हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो वहाँ पे काफ़ी सख्ती है और कई बार हम लोग ऐसे निकल भी जाते हैं लेकिन कई बार हमें चेकिंग का सामना भी करना पड़ता है। ये देखिए अभी हमें रोक लिया है यहाँ पर पोस्टिंग पे, ये हम बात करेंगे। पहला पड़ाव है और ये उत्तराखंड का बॉर्डर है और हमने इसे क्रॉस कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने अभी पुलिस वालों से बात की थी, बात करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया है। हमने उन्हें बताया कि हम लोग पेशेंट्स के रिलीफ के लिए काम करते हैं और एंटी कोरोना टास्क फोर्स की तरफ से काम करते हैं। मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, कुछ प्रशासनिक लेटर हैं, एक दो परमिशन भी है मेरे पास और वो सारी परमिशंस दिखाई, उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाए, लोगों के मरीज़ों के डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, मैंने उन्हें दिखाए। तो वो सब दिखाने के बाद उन्होंने मुझे परमिट किया कि ठीक है आप जाइए, आप लीगल हैं। इसके बाद मैं आपको फैक्ट्री का नज़ारा भी दिखाऊंगा। हम लोग इस वक्त राठी ऑक्सीजन प्लांट पर हैं और ये देख रहे हैं आप गाड़ियाँ और अभी रात के तकरीबन 11:37 हो रहे हैं। ये गाड़ियाँ जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए गाड़ियाँ हैं। ये देखिए ये नज़ारा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि क्राइसिस छोटा नहीं है, बड़ा क्राइसिस। ये देखिए लोग सिलेंडर कैसे ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम भी ऐसे लेके जाएंगे मजदूरों की तरह से। देखिए यहाँ लोगों की भी देखिए गेट पर लोगों की भीड़ का ये आलम। अब हम भी अपने सिलेंडर उतारेंगे और अपने सिलेंडर अंदर रखेंगे। अरे गए सिलेंडर भर लिए हैं और अब करीब 2:30 बज रहे हैं। दोस्तों फिलहाल मैं आपको टाइम बता दूं, अभी सुबह के 5 बजने के हैं और मैं अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा हूं और मुझे अभी अपनी मंजिल पर पहुंचने में यानी कि बिलारी पहुंचने में लगभग 1.25 घंटा और लगेगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे 8 से 9 घंटे का प्रोसीजर है अगर आप दूसरी स्टेट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जा रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया है कि अगर आप उत्तराखंड में गैस लेने आओगे तो क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी और कैसे कैसे आप उसका सामना करोगे और गैस कैसे पाओगे, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है। साथियों ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि अगर आप अपनों को और अपने दोस्तों को, मिलने वालों को या फिर किसी की मदद करके उन्हें बचाना चाहते हैं और उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलाना चाहते हैं तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके अलावा रुद्रपुर का पॉइंट है, काशीपुर का पॉइंट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो मुरादाबाद में 3 पॉइंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कवात्रा गैस एजेंसीज जो आपको लाकड़ी रोड पर मिलेगा, वहाँ पर भी गैस के सिलेंडर रिफिल होते हैं। दूसरा है कलिंगा गैसेस के नाम से जो दलपतपुर चौक पर है या यूं कहिए 0 पॉइंट से थोड़ा आगे जो मेरी हवेली रेस्टोरेंट है उसके आगे है, वहाँ पर भी गैस के सिलेंडर रिफ़िल होते हैं। तीसरा पॉइंट है चमरपुर गांव में, यानी कि ये जो कलिंगा गैस एजेंसी है उससे थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे हाईवे पे तो राइट हैंड को कट है, पुल के ऊपर चढ़ने से एकदम पहले राइट हैंड को जो कट है वो कट आप लेंगे और फिर सामने रेलवे क्रॉसिंग आएगा, उस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते ही राइट हैंड को टर्न लेंगे आप तो अंदर चमरपुर गांव में पवन गैसेस के नाम से एक रिफिलिंग पॉइंट है जहां पर ऑक्सीजन आप वहां से रिफ़िल करा सकते हैं। शर्त वही है, आपको मरीज़ की पॉजिटिव कोरोना की रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी,
एक सिलेंडर खाली लेके जाना पड़ेगा आपको, और मुमकिन है कि एक आदमी को एक ही सिलेंडर मिलेगा, इसलिए अगर आपको ज़्यादा सिलेंडर चाहिए तो अपने साथ दो तीन लोग ले जाएं और दो तीन खाली सिलेंडर ले जाएं और अलग अलग रिपोर्ट्स ले जाएं। 24 घंटे में 12 घंटे में एक आध सिलेंडर, एक दो सिलेंडर मिल जाएंगे आपको। बहुत मुश्किल वक्त है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा पूरी जो नॉलेज है कि आपको कहाँ कहाँ से गैस लेनी है, उनके क्या क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, कैसे आपको रिफिलिंग करानी है। प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया, इसीलिए ज़रूरी है कि मैं आपको प्रैक्टिकल दूँ ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। ये बहुत ज़रूरी और यूज़फुल वीडियो है, अगर आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके। लोग इसे जितना ज़्यादा देखेंगे, दिल्ली से लोग आते हैं पॉइंट्स पर, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, तो दिल्ली के लोग हों, चाहे मुरादाबाद के लोग हों, चाहे चंदौसी के लोग हों, चाहे देहरादून के लोगों, कहीं के भी लोग हों, अगर वो सफ़र करके आ रहे हैं और आठ से अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट है तो वो अपने मरीज़ों को बचाने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन गैसेस ले जा सकते हैं, जैसे कि मैं ले जा रहा हूँ, अभी भी पहुँचा नहीं हूँ। मुझे लगभग 10 दिन लगातार इस शेड्यूल में हो गए हैं और मैं सो नहीं पाता हूँ पूरी पूरी रात। सुबह 4 घंटे 3 घंटे सोता हूँ और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और क्या बताऊँ आपको, बहुत दिल में बहुत कसक है और बिल्कुल मुरझाए हुए पत्ते या सूखे हुए पत्ते जो पेड़ पे होते हैं वो झड़ने लगते हैं, ऐसे ही लोग हमारे बीच से गिर रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम जैसे लोग सामने आए और इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। यूट्यूब चैनल पर मैंने इस वीडियो को भी डाला है, अपने ही चैनल पर मेरी ये वीडियो पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में उसमें सारी चीज़ें हैं और उस वहाँ से आप यूज़फुल जानकारी ले सकते हैं और इन प्लांट्स के लिए लोगों को बता सकते हैं और ऑक्सीजन ज़रूरत के तौर पर यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।